धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी एक सोशल एक्टिविस्ट हेतल नायक। हेतल नायक जी, आपका मैं स्वागत करती हूं हमारे शो में। और सबसे पहले आपका डी कुशाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ जी। हेतल जी एक समाज सेविका है और काफ़ी सारी समाज के लिए उन्होंने काम किए हैं, तो उनकी हम लाइफ जर्नी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको समाज सेवा करने का विचार कैसे आया और किस तरह से वो यहाँ पे आगे तक आई है जी। मेरा नाम हेतल नायक है। मैं 7 साल से मेरी जर्नी चल रही है सोशल एक्टिविस्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर। अभी पिछले 1 साल से मैं अमी चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट में प्रेसिडेंट हूँ, और स्पेशली मैं बच्चे और बूढ़े या फिर औरतें सबके लिए काम करती हूँ जी। बेवा जो औरतें होती हैं उनके लिए ज़्यादा काम करती हूँ, और स्पेशल चाइल्ड मेंटली रिटायर्ड बच्चों के लिए या फिर थैलेसेमिया ग्रस्त बच्चों के लिए मैं अपना काम करती हूँ जी। जी, उनका जी जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी वो सब जी सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ जी। बट आपको ये विचार कैसे आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है? पहले हाउस वाइफ थी। बहुत पहले जॉब भी थी गुजरात गैस कंपनी में मैं, पर फैमिली की लायबिलिटी की वजह से फिर वो छोड़ दी। फिर बच्चे की पढ़ाई ये सब, फिर फैमिली की लायबिलिटी के बाद जब इन लॉज पास्ट अवे हो गए उसके बाद थोड़ा सा अपने लिए जीने का टाइम मिल गया। बच्चे भी बड़े हो के फिर स्टडी में से आगे फिर अपने करियर में चले गए जी। तो फिर एक मेरे आइडल है मेरे पापा, उनके पास से मैंने सीखा है कि जो भी हमें समाज ने दिया है तो उनको हमें वापस उनको देना चाहिए जी। बिल्कुल, तो पैसा सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, प्रेम सब कुछ होता है। तो पैसे से जो मैं नहीं कर सकती तो मैं मेरे पास जो चीज़ है वो मैं समाज को वापस दे के कुछ ना कुछ उसमें से मैं अपने लिए खुशियाँ ढूंढती हूँ जी। जी जी जी, तो इस तरह से आप समाज सेवा करने के लिए आप आगे आई और 7 साल से आप ये समाज के लिए कुछ कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने बताया कि अमी चैरिटेबल ट्रस्ट में एक प्रेसिडेंट है, आप वहाँ पे भी अच्छी तरह से आप जो ट्रस्ट है उनकी भी संभाल रही है, उनमें कार्य कर रही है, तो ये आपने कहा शायद 1-2 साल से आप प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे आने के बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद आपने क्या किया, कौन सा कार्य? प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले औरतों के ऊपर काम किया जो समाज से दूर होती जा रही है, या फिर जो औरतों को घर में अच्छी तरह से रखा नहीं जाता, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, जो बाहर निकल के अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती जी, तो सर्वे करके हम लोग उन लोगों को जो भी हमसे होता है वो प्रोवाइड करते हैं। और गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है विडो वुमन्स के लिए जो फॉर्म भरने होते हैं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं उनको। कोई लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, उनके बच्चों को कोई स्कूल में एडमिशन चाहिए या फिर ट्यूशंस फीस या फ्री एजुकेशन जो भी है हम उनमें उनको हेल्प करते हैं जी। जी जी जी, बहुत अच्छी मतलब बात कही आपने कि जिस तरह से महिलाओं को सपोर्ट चाहिए वो आपकी संस्था और आप दे रही है, बहुत ही वो सराहनीय है। क्योंकि ऐसे समाज सेविका अगर समाज में है तो बहुत कुछ महिलाओं को फ़ायदा भी हो सकता है, और कहीं जगह पे महिलाओं को कभी कहीं कुछ ऐसा पता ही नहीं होता है कि अगर वो कुछ बिजनेस करना चाहती है, अगर वो कुछ करना काम करना चाहती है तो उनको सही गाइड नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो अमी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो अच्छे से उनको गाइड करती है, और हेतल जी के द्वारा काफ़ी सारा ज्ञान भी मिलता है उनको, बहुत अच्छी बात है। अमी जी, आप जिस तरह से काम करती है आप और भी आगे ऐसे काम करते रहिए और समाज में समाज का नाम बढ़ाते रहिए, और ऐसे काम करें कि जिससे आपकी संस्था का नाम भी हो। और अभी फ़िलहाल जिस तरह से आपने कहा कि ये सब तो आप कार्य करती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका आगे क्या करने का विचार है कि
क्या कुछ आप महिलाओं के लिए स्पेशलाइज कुछ करना चाहती है क्या? जी हम महिलाओं जो औरतें घर पे रहती है या फिर घर से बाहर नहीं निकल सकती, जिनके ऊपर अपने फैमिली की लायबिलिटी है, तो उन लोगों को लिए हम लोग उनके घर पे ही कुछ ऐसे व्यापार उनको देना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं उन लोगों को। जैसे उसके लिए हमने SMC से भी बात कर रखी है और फिर गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मैं अपने ट्रस्ट में लूंगी जिससे मैं उन औरतों को रोजगार दे सकूं जो घर पे रह के कुछ भी कर सकती है। आगे जाके वो है और बच्चों को फ्री एजुकेशन के फील्ड में कुछ भी जो आगे मैं कर सकती हूँ वो मेरा पहला काम है। जी बहुत अच्छी बात कही हेतल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो मैं बताना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में आज थी हेतल नायक, जो एक समाज सेविका है और अमित चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की वो फिलहाल प्रेसिडेंट है। आगे चल के वो क्या करेगी वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो अभी जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमारे जाते जाते हेतल जी, हमारी जो महिलाएं हैं जो समाज में कुछ करना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? पहले तो मैं अपने विचार से ऐसा कहना चाहूँगी कि एट द एज ऑफ 40 और 45 आप अपने थोड़े से अपने लिए जीना सीखिए। जैसे अपने फैमिली से भी आप थोड़े से फ्री होके आगे बढ़ना चाहते हो, फैमिली की लायबिलिटी भी कम होती है, बच्चे भी बड़े होके अपने काम में जुड़ गए हैं, तो अब एट द एज ऑफ 40 और 45 आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए। और जो जो चीज़ आपको आनंद देती है, जिसमें से आपको खुशियाँ मिलती है, वो आप कीजिए, उसकी पॉजिटिविटी आपके फैमिली में जाएगी। आप खुश रहोगे तो आपका फैमिली खुश रहेगा, आप जो फील्ड में जाती हो वहाँ भी आप खुशियाँ दे पाओगी। तो मैं इतना चाहती हूँ कि एट द एज ऑफ 45 उसके आगे अब खुद के लिए जीना शुरू कर दो। वाह क्या बात है, क्या बात है हेतल जी, वाह व्हाट अ स्पिरिट, बहुत अच्छा स्पिरिट है आप में। और आपके इस मैसेज से बहुत जो हमारी महिला यहाँ पे शो देख रही है वो काफ़ी मोटिवेट हुई है आपकी बातों से। और अमित जी फिर से आपका स्वागत और धन्यवाद, आप हमारे इस शो में आई और इतना अच्छा आपने आपके बारे में बताया और आपकी लाइफ जर्नी शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी जाते जाते एक लाइन आपके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए है हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और हेतल नायक जी हमारे साथ थी, सोशल एक्टिविस्ट, और मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।